लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ना बड़े दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार था उनके इंतज़ार की घड़ी अब खत्म हो गई है। और अभी मैं ना रोज़ ब्लॉग बनाऊंगी, तो इसके लिए आपको ना मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे बहुत 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 सारा सपोर्ट करना पड़ेगा। सो हे गाइस, आज है डेट 16 सितंबर 2023 और आज ना मुझे जाना है बड़े दिनों के बाद कॉलेज काउंसलिंग के लिए। उन सबको भी बता दूंगी कि मैं कहाँ एडमिशन ले रही हूँ। मौसम बिल्कुल सुहाना है, जब तक आप लोग मौसम देख रहे हैं तब तक मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। टाटा एंड गाइस, दिस इज माय कंप्लीट लुक और मैं हुई हूँ कॉलेज के लिए रेडी और अब मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। गाइज ये हो गया मैं रेडी, मेरा बैग एंड मेरा अम्ब्रेला और मैं चलती हूँ कॉलेज। बाय गुला। सहने हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है। मैं पहुंच गई हूँ में और गाइज मैंने ना किसी को बोला हुआ है, जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी, जीत अब चाहे जिंदगी। हेलो, बात कर दूं मैं सर? ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए। मैं पहुंच चुका हूँ पौड़ी के BGR कैंपस में ही एंड ये कैंपस कुछ ऐसा है। हेलो, ये व्लॉग बना रही है, व्लॉग बना रही है। यस यस, और ये है पौड़ी कॉलेज की अभी हाल BGR कैंपस के, क्योंकि यहाँ पे अभी रोड बन रही है मेरे आने की खुशी में। सो गाइस, मैं ना अनलिमिटेड सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहा हूँ ऊपर और अभी मुझे एक और फॉर्म भरना है, मुझे अभी कॉलेज पहुँच के पता चला है, तो सबसे पहले मैं वो फॉर्म भरूँगा। संकाय भवन ये है PG ब्लॉक 8 वाला और मैं यहाँ से आपको यहाँ का सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ। ये यहाँ पे छात्र संघ भवन, सहने हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो मेरा ना फॉर्म भरा जा रहा है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा फॉर्म भरना हो और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो सारे जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो तो मैं नहीं लेके आई हूँ। गाइस अभी ना मेरे सर की कॉल आई थी, श्रीनगर वाले सर की, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें आज कॉलेज में आना पड़ेगा, तुम्हारा नाम यहाँ डाल दिया है। उन्होंने क्या ही पता कि मैं यहीं एडमिशन ले रहा हूँ। इट्स ओके गाइस, इट्स ओके ना, जो भी होना होगा हो ही जाएगा, यहाँ एडमिशन होगा चाहे वहाँ एडमिशन होगा। फिलहाल तो वैसे आज लास्ट डेट थी वहाँ की भी, तो वो कह रहे हैं कि आज ही आना होगा अगर आज यहाँ एडमिशन लेना है तो। वैसे मेरा मन था वहाँ जाने का, लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुझे यहीं BGR कैंपस में एडमिशन लेना पड़ रहा है।
बट कॉलेज तो सभी अच्छे होते हैं राइट, फ्रेंड्स भी बन ही जाते हैं और टीचर्स भी सभी अच्छे होते हैं. जीत अब चाहे जिंदगी फॉर्म में चाहिए मुझे एंटी रैगिंग में चाहिए सॉरी ग्रैंडफादर का नेम एंड मुझे नहीं पता कैसा लगा मेरा मजाक. और गाइस मेरे मॉम को कॉल करके पूछ लिया है अपने दादाजी का नेम. वैसे मुझे पता था पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था. ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए मैंने मॉम को कॉल करके पूछ लिया. अब मैं फटाफट से वो फॉर्म भर देती हूँ. जिंदगी हम छिप छिपाए हम नाए आए आए हम नाए ऐसी जीत छिप छिपाए ऐसी जीत हम नवा समा है तुम रह सकी तो रबा है. और मेरा काम हो गया है डन और अब चलते हैं काउंसलिंग करा गए होंगे तो. मेरा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है. मज़ेदार भी क्या ही है, फर्स्ट डे है तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, किससे क्या ही मिलूँगी. एंड दिस इज़ द पीजी ब्लॉक. सो गाइज मुझे ना अभी इस रूम में भेज दिया है क्योंकि मैं बेचारी अकेली हूँ, बाकी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो गई है. उस दिन मैं कॉलेज तो गई थी अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने के लिए लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने उन्हें कहाँ रख दिया. तक की पूरी मेहनत जिसे लेके मुझे जाना है चेक करवाने ओरिजिनल के साथ सी क्या होता है. चल मेहनत को ग्रेजुएशन श्रीनगर पॉलिटिकल और ज्योग्राफी. हाँ जी ज्योग्राफी. अस्मिता ने था ये इसके जिस जो भी विचार दिए तो उसमें कि कैसे साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू हुआ, क्या कहाँ से अप्रीमेंट हुआ, कहाँ से डाउनलोड हुआ, कहाँ से मर्ज हुआ सब है ना, तो उसकी उसकी थॉट पढ़ के आप जियोमोरफोलॉजी भी तैयार करते हैं साथ में. थैंक यू सो मच सर, बाय बाय. मेरी काउंसलिंग हो चुकी है डन, मैंने सारे फॉर्म कर दिए हैं सबमिट और मैंने ना सर से भी बातचीत कर ली है सारी काम की जितनी भी बातें करनी थी और अब मैं निकलती हूँ यहाँ से. और यहाँ पे रोड के वही बुरे हाल, वो नहीं लगाया था क्या क्या बोली मैम. हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो उसको मुझे किसी और दिन सबमिट करना है, ऐसा कार्य उन्होंने कर सकते हैं किसी भी दिन. इतना पैदल 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 चल चल के ही मैं पहुँच चुका हूँ नीचे रोड में, क्योंकि ऊपर रोड में काम चल रहा है ना इस वजह से गाड़ी ऊपर नहीं आ पाई थी इसलिए इतना सारा मुझे पैदल चलना है. वैसे भी अब तो मुझे पैदल ही आना है, कौन सा मुझे कोई छोड़ने आएगा लेने आएगा. और ये है ना बीएड डिपार्टमेंट यानी यहाँ होंगी बीएड की क्लासेस. वेल अब तो मैं बीएड करूँगी नहीं, अब तो मैं एमए में एडमिशन ले लिया है. अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है. ओए तू तू भी बाय कर, सुबह ये भी बाय करे, दोनों करो बाय बाय. सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे बाय बाय किया और गाइस आ गया हूँ मैं कॉलेज से, पहुँच गई हूँ अपनी वही अजीब सी गली में, गली मोहल्ले में. यहाँ पे कोई मिले ना मिले गाय जरूर मिल जाती है.
कॉलेज के पहले दिन में तो कुछ नहीं हुआ, क्यों? मुझे काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग तो बिता ही हुआ। पता है मैंने सबसे पूछा कि एमए में कितने बच्चे, उन्होंने कहा 6-7 बच्चे। और इतने में मुझे सर की कॉल आ गई श्रीनगर वाले, अश्विता बच्चे कहाँ हो तुम, आज कम आज लास्ट डेट है उसकी, आ जाओ, तुम्हारा नाम डाल दिया है हमने। मैंने कहा अरे सर क्यों कर रहे हो, मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे हो, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है कि हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा अरे सर मैं भी क्या कर सकती हूँ, ऐसी बात है। सर ने कहा कि बच्चे एमए करना क्यों है, मैंने उन्हें कहा, उन्होंने मुझे पहले से ये पूछा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, श्रीनगर क्यों एडमिशन ले रहे हो। मैंने कहा सर मुझे यहीं से करना है। ये मेरी प्यारी माँ मुझे स्कूल से आते ही काम पे लग गई, क्योंकि मैं उनकी प्यारी दुलारी गई थी अपने कॉलेज में। सो गाइज मैं आ गया हूँ कॉलेज से, और देखो मैं कितनी सुंदर बन के गई थी आज कॉलेज, मैचिंग क्लिप, मैचिंग वॉच। गाइस तुम लोगों को मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना है ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी से बढ़े, जल्दी 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 से बढ़े। मेरा सबने सपोर्ट किया ब्लॉग बनाने के लिए, मतलब सबने मुझे वीडियो ऑन करने दिया था, और सबने मुझे कहा कि रिलैक्स होकर बनाओ, इट्स ओके। और पिछला दिन मेरा बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे ब्लॉग बनाने के लिए सपोर्ट किया, जब ब्लॉग बनाने के लिए, ब्लॉग कंटिन्यू रखने के लिए। और गाइज मुझे ना ऐसे ही तुम लोग बहुत सारा सपोर्ट करना। जैसे मैंने पूछा था कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो अभी तो क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तो अभी मैं भी ना अब चेंज कर लेती हूँ और सीधा मिलूंगी मैं आपको, शाम को मिलूंगी मैं आपसे, ठीक है। 2000 years later. Hey guys, तो अभी हो रहा है टाइम शाम के 6:30 बज रहे हैं, और मैं कॉलेज से आने के बाद ना खाना पीना खा के सो गया था, इसलिए ना मैं अभी उठ रही हूँ, लगता है मैं थक गई थी। पहुँच चुकी हूँ घर पे, एंड गाइज आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। होप सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आया है और नहीं भी आया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह